हेलो दोस्तों, आज हम ट्यूलिप प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे जिसे मैंने अखबार पर बताया। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे टू लेयर्स में। अब हम इसे कटिंग करेंगे। पहले हम आसन का निशान लगाएंगे। तो मैंने 2 इंच रखा है चौड़ाई आसन की। लेंथ इसकी 4 इंच रखी है। अब इसका एक बॉक्स सा बना देंगे इस तरह से। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह। कट गया। इसकी लेंथ है 13 इंच और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। इस तरह से गोल करेंगे इसे। गोल करते हुए इस कोने तक चले जाएंगे। अब हम इसे काट देंगे। पहले हम आसन का कटिंग करेंगे। ये हमारा आसन कट गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट वाले हिस्से को अलग कर देंगे। तो हमारा दो पार्ट्स तैयार हो जाएंगे। ये हमारी ट्यूलिप प्लाजो पैंट की कटिंग होगी। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले इस तरह से सिला जाएगा ये ऐसे करके। ये अंदर की तरफ मोड़ा जाएगा। इसमें अंदर की तरफ छोटी छोटी चुन्नटें पड़ेंगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पीछे भी इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट पड़ जाएंगी और इधर भी छोटी छोटी चुन्नट पड़ जाएंगी। तो ये हमारा एक पैर का पास तैयार हो गया। हम दूसरे पैर की तैयार करते हैं। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ ऐसे करेंगे और इसमें छोटे छोटे चुन्नटें पड़ जाएंगी। ऐसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग होगी। ट्यूलिप प्लाजो पैंट की कटिंग तैयार होगी। ये